असलम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई YouTube चैनल वी यू स्टडी विद मी जी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे आज की अपनी इस वीडियो में हम पार्ट थ्री जीरो वन लेक्चर वाइज एम सी क्यू सीरीज का लेक्चर नंबर थर्टीन डिस्कस करेंगे टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस नाइनटीन फोर्टी सेवन तो चलिए स्टूडेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए आपको फर्स्ट टाइम सी क्यू है डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन डे वॉज अ प्रोटेस्ट ऑफ एम एल अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इनजस्टिस टू वर्ड्स द मुस्लिम यह आपकी स्टेटमेंट ट्रू है ये आपकी जो डायरेक्ट एक्शन डे है ना जो ये प्रोटेस्ट था ये क्यों था किस वजह से था ये इसकी रीजन है द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ इंजस्टिस टूवर्ड्स द मुस्लिम ठीक है एम ने ये प्रोटेस्ट क्यों किया था Uh, मुसलमानों की तरफ जो ब्रिटिश की uh, नाइंसाफ़ी थी पॉलिसी की जो भी थी उनकी पॉलिसी में नाइंसाफ़ी थी उसकी वजह से इन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था एम एल ने डायरेक्ट डायरेक्ट एक्शन डे और इसकी जो डेट है वो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दी थी नेक्स्ट चलते हैं डैश ट्राई टू प्रिपेयर नेहरू एंड गांधी टू कोआर्डिनेट द एम एल ठीक है एम एल यानी मुस्लिम लीग से कोआर्डिनेट करने के लिए गांधी और नेहरू को जो प्रिपेयर किया था किसने किया था वो लॉर्ड वेवल ने किया था नेक्स्ट चलते हैं वॉइस रॉय रिक्वेस्टेड जिन्ना टू जॉइन इंटरिम गवर्नमेंट एंड जिन्ना एक्सेप्टेड ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपकी ट्रू है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं ऑन डैश 1946 द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर फाइनलाइज्ड ठीक है ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं ये कब फाइनलाइज हुए थे 25 uh, 25 अक्टूबर 1946 को स्टूडेंट एक चीज़ मैं आपको बता आ, कहना चाहूंगी कि आप लोग एक बार वीडियो को फुल अच्छे से समझ के वॉच कर लिया करें वो आ, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही होती हूँ उसको भी एक बार आप लोग अच्छे से समझ लिया करें ठीक है यानी फुल वॉच करने का मकसद ये है कि आप लोग जो वीडियो में मैं आपको बता रही होती हूँ उसे भी आप लोग एक बार अच्छे से सुन लिया करें क्योंकि आपके स्पेशली जो पार्क थ्री जीरो वन के इसके कुछ एमसी क्यूज ऐसे होते हैं कि उनमें भी आपके कुछ एम सी क्यूज मजीद हिडन होते हैं तो वो मैं जब एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ तो आप लोग एक बार अच्छे से सुन लिया करें ताकि आपका कोई भी एमसी क्यू ना जाए या कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट आपका किसी एमसी क्यू के अंदर है तो वो आपको रह ना जाए आपसे ठीक है नेक्स्ट चलते हैं ऑन डैश नाइनटीन ये हो गया फाइव है आपका खिजर हयात तिवाना फाउंड हिज गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ हिंदू एंड सिख मेंबर्स ठीक है ये आपकी येस है और यहाँ पे आपको इन डायरेक्ट एम सी आ सकता है बस आपने खिजर हयात तिवाना के साथ यूनियनिस्ट यूनियनिस्ट का आपने वर्ड जो है वो माइंड में अपने रखना है ठीक है नेक्स्ट है द खिजर गवर्नम एंड रूल वाज गड ऑन ये कब हुए थे आप डेट देख लीजिए नेक्स्ट है द लॉन्च अ मूवमेंट अगेंस्ट द इजेक्शन ऑफ मुस्लिम पीस एंड्स ठीक है पीस एंड्स यानी कि जो मुसलमान किसान थे उनकी बेदखली के खिलाफ जो मूवमेंट हुई थी वो किसने की थी किसने लॉन्च की थी मौलाना बाशानी ने ठीक है मौलाना बाशानी ये आपने या, आ, याद रखना है माउंट बैटन वॉज अपॉइंटेड न्यू वॉस् ऑफ इंडिया कब अपॉइंट किया गया था डेट आप देख लीजिए ट्वेंटी फेव नाइनटीन फोर्टी सेवन है उसके बाद है माउंट बैटन अराइव इन दिल्ली ऑन मार्च ट्वेंटी टू नाइनटीन फोर्टी सेवन ये आपने याद रखना है कि वो एक तो दिल्ली गए थे और पहुंचे कब थे ये आप देख लेना माउंट बैटन ठीक है वॉज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ माउंट बैटन अपॉइंटमेंट टू वाइंड अप ब्रिटिश रूल माउंट बैटन अरेन्ज डायलॉग विद डैश देन ही विजिटेड इंग्लैंड फॉर डेलीब्रेशन फॉर न्यू प्लान ये इंडियन लीडर्स के साथ था अरेंज किए थे ठीक है उसके बाद आपका ये थर्ड जून प्लान है ये आपका इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है इसको आपने याद रखना है थर्ड जून प्लान में आपके कौन कौन से प्लान शामिल थे रेफरेंडम है ये बलोचिस्तान अप्रोप्रिएट है ये इसमें आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल है पेज नंबर ट्वेंटी एट पर आपके ये आई थिंक एट के नाइन आपके ये प्लान है जो आपकी स्टेटमेंट है तो आप लोगों ने पेज नंबर ट्वेंटी टू लाजमी रीड करना है उस पर ये इसके अलावा बाकी के भी आप लोगों ने प्लान रीड कर लेने हैं ताकि अगर एम सी क्यू में आए या आपको लॉन्ग क्वेश्चन में थर्ड प्लान थर्ड जून प्लान आता है तो आप उसको सॉल्व कर लें द ब्रिटिश विल नॉट इम्पोज अस्टिट्यूशन बट दी एल फ्रेम आ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी आपके थर्ड जून प्लान की स्टेटमेंट है ये ट्रू है इसके अलावा बाकी मैंने पेज मैंशन कर दिया है आप लोग वहां से इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ये आपका कब हुआ था जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन में और यह आपके पास में भी पूछा गया है टू गिव लीगल शेप टू दर्ड जून प्लान द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज प्रोमिगलेटेड प्रोमिगेटेड ठीक है ये आपका कब हुआ था जुलाई 1947 में स्टेटमेंट आपकी ट्रू है पास्ट में भी आपको ये आया हुआ है ठीक है और ये इसकी रीजन है कि आपका जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो क्यों जो है वो मतलब किस वजह से हेल्ड हुआ था तो ये आपकी रीजन ये है थर्ड जून जो प्लान था उसको लीगल शेप देने के लिए ठीक है बस इसको स्टेटमेंट आप अच्छे से याद कीजिएगा कुछ भी वो एमसीक्यू आपको बना के दे सकते हैं

आपको पता है मोहम्मद अली जिना और बने कब थे जुलाई में फर्स्ट मीटिंग ऑफ असेंबली वॉज हेल्ड ऑन अगस्त 11 1947 सेरेमनीज ऑन अगस्त 14 ये मैंने फुल स्टेटमेंट इसीलिए लिख दिया ताकि आपको असम्बली की फर्स्ट मीटिंग भी पता हो वो कब हुई थी और सेरेमनी कब हुई थी ये भी आपको पता हो डैश अनाउंसमेंट वाज मेड एट मिडनाइट और अनाउंसमेंट कब हुई थी मिडनाइट में चौदह और पंद्रह तारीख यानी चौदह पंद्रह अगस्त की मिड नाइट में अनाउंसमेंट हुई थी किस पर हुई थी रेडियो पे हुई थी कायद ऑथ टेकिंग सेरेमनी फॉर यानी कि कायद आजम ने अब ये आपको कुछ भी बना के दे सकते हैं कि ये भी पूछ सकते हैं कि कायद आजम ने हल्फ कब लिया था गवर्नर जनरल का तो वो था फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोटी सेवन ठीक है और फुल स्टेटमेंट है कि कायद ऑथ टेकिंग सेरेमनी फॉर जी जी एंड पी एम वॉज हेल्ड ऑन फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन फोर्टी सेवन नेक्स्ट है बाउंड्रीज कमीशन अवार्ड डिक्लेयर्ड मैनी कंट्रोवर्सल अबाउट सर्टिन एरियाज लाइक ये आपका गुर्द गुरदपुर है गुरदासपुर है सॉरी गुरदासपुर जिला तहसील यानी जिला तहसील एसेट्रा ये आपकी ट्रू है 17 अगस्त है डैश विल डिसाइड अबाउट ज्वाइनिंग आइदर साइड ये आपका सिंध आ गया इसमें ठीक है उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं विच एक्ट वॉज प्रोमोगेटेड टू गिव लीगल शेप टू दर्ड जून प्लानीन फोर्टी सेवन ये आपका पास्ट में आया है आंसर आप देख लीजिएगा उसके बाद ये आप लोगों का जो मुझे काफी इंपॉर्टेंट था पार्टीशन प्रोसेस इसमें से आपको कोई भी वो एम दे सकते हैं इसीलिए ये फुल टॉपिक मैंने यहाँ पे आप लोगों का राइट कर दिया है आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है समझ के आप लोगों ने प्रिपेयर करना है कुछ भी वो इसमें से आपसे पूछ सकते हैं ठीक है इसको आप लोग रीड कर लीजिएगा आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी ताकि कोई भी एमसीक्यूज आए तो आप सॉल्व कर लें जी स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज